तो हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे। वेक्टर्स में अगला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, लेट्स से पॉइंट है गाइस, पॉइंट गिवन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ध्यान देना भाई सब लोग, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सिमिलरली जेड भी एक्सिस भी होगा, आपको पता ही है, उससे मतलब नहीं है वैसे तो। ठीक है, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो गाइस ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट दे रखा है पॉइंट पी, ठीक है, और इसकी पोजीशन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का एक ऐसा वेक्टर होगा जो इसके पोजीशन को बताएगा। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड एंडिंग एट पी। ओ क्या होता है गाइस, ओ होता है ओरिजिन, होता है ओरिजिन। ठीक है, मतलब अगर आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है तो आपको कुछ नहीं करना, ओरिजिन से पॉइंट को जोड़ देना है। ठीक है, ये हमने ओरिजिन से पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, अब ओरिजिन से पॉइंट को जोड़ दिया, इनिशिएटिंग फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान रखना, इनिशिएटिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड एंडिंग एट पॉइंट, जो कि क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया गाइस, ओपी वेक्टर। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि भाई ये कैसे निकालेंगे, ओपी वेक्टर निकालेंगे कैसे, मैंने बोला था ओपी वेक्टर हमेशा होगा पी माइनस ओ, मतलब पी वाला पॉइंट माइनस ओ वाला पॉइंट। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे एक्स माइनस जीरो का आई कैप। ठीक है, फिर वाई कोऑर्डिनेट ले लो गाइस, कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में क्या है, वाई फिर माइनस जीरो। हम वाई माइनस जीरो क्यों ले रहे हैं, हम जीरो माइनस वाई क्यों नहीं ले रहे हैं गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, ओपी वेक्टर है तो पी वाला माइनस ओ वाला, वाई कोऑर्डिनेट लेना है पी वाला माइनस ओ वाला, पी वाला क्या है वाई है, ठीक है, और ओ वाला क्या है जीरो है, तो वाई माइनस जीरो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे क्या बीच में प्लस प्लस, फिर से जेड कोऑर्डिनेट गाइस, जेड कोऑर्डिनेट, हाँ जी जेड कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज जेड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, जेड कोऑर्डिनेट विल बी जेड माइनस जीरो है ना, जेड माइनस जीरो के क्या, तो गाइस ये क्या आ गया आपका, ये जो आया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हालांकि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे सीधा सीधा कि भाई इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेरी सिंपल ओपी वेक्टर होगा, वेरी सिंपल, क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन अगर छोटे छोटे डाउट्स माइंड में रख लोगे तो दिक्कत हो जाएगी बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है गाइस, पॉइंट है आपका ए, पॉइंट इज वन कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी नथिंग बट ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको हम लिखते हैं ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या होगा, वन आई माइनस टू जे माइनस थ्री के, दैट्स इट, थ्री के क्या। ठीक है, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने लास्ट क्लास अटेंड ही ना करी हो, हाँ जी एनी वन ऑफ यू जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, कोई भी ऐसा बच्चा है, नहीं है, ओके गाइज आगे ध्यान देंगे आप लोग, आगे मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं अभी गाइज। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट दे रखा आपको एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, बी पॉइंट दे रखा आपको एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, सबको पता है ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर मैं बना देता हूँ, चलो यहाँ पे गाइज ये होगा ए का पोजीशन वेक्टर, क्या है ये, ओ ए वेक्टर, क्या बोलते हो, ओ ए, फिर बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या होगा, एक्स वन माइनस जीरो मतलब एक्स वन आई क्या प्लस वाई वन जे क्या प्लस जेड वन के क्या। सिमिलरली ओ बी वेक्टर क्या होता है गाइस, ओ बी वेक्टर, व्हाट इज ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या होगा, बी ये रखा आपको, ओ बी वेक्टर बोले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी मतलब एक ऐसा वेक्टर जो बी के पोजीशन को बताए, डायरेक्ट लिख दोगे एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। अच्छा गाइस ए बी के बीच में कितने वेक्टर बनेंगे, हाँ जी ए बी के बीच में कितने वेक्टर बनेंगे गाइस, हाँ जी देखना
एक तो बनेगा ए बी वेक्टर, ठीक है, एक और बन सकता है गाइस, देखना जरा, ठीक है सब लोग, यहां से बी से ए की तरफ, ठीक है, आप देख सकते हो दोनों में मैंने एरो लगाया है, ठीक है, एक है ए बी वेक्टर, दूसरा है बी ए वेक्टर। तो गाइस सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना सीखो। देखो ए बी वेक्टर क्या होता है, मैं लिख रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हालांकि मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, ठीक है, बस टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करी थी, पोजीशन वेक्टर वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर आप यहाँ पे सीधा सीधा कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप यहाँ अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो क्या करेंगे भाई, देखो b माइनस ए मतलब b वाला क्या है x2 माइनस x1 i क्या, ठीक है, फिर डायरेक्ट फिर y वाला ले लो, y वाला कौन सा, ये y2 माइनस y1, y we are taking y2 माइनस y1 बिकॉज यहाँ लिखा है ab वेक्टर, ab वेक्टर क्या होता है गाइस, ab वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, ठीक है। अगर मैथमेटिकली लिखना चाहते हो थोड़ा सा और, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे आप लिखना चाहिए था ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ बी वेक्टर में आप ये डालते 10 माइनस 10, जब आप करते तो अपने आप ही यही आ जाएगा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, पहले तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर निकालना दिखा रहा हूँ, क्या आएगा डायरेक्ट बी वाला माइनस ए वाला, फिर बी वाला माइनस ए वाला, फिर बी वाला माइनस ए वाला, ठीक है। अब ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये आपका के कैप हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया गाइस। किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो, बोलो ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर इसमें से, इसमें से आप ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, आई कैप कॉमन ले लिया, तो यही आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब आप लोग सब लोग बी ए वेक्टर निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लेता है तो बी ए वेक्टर क्या होता है, ओ ए वेक्टर माइनस ओ वी वेक्टर, इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बोल देना, है ना, पहले ए वाला फाइनल वाला फिर इनिशियल वाला, ठीक है। अब ओ ए की वैल्यू डाल दो चाहे तो आप, ओ ए की वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी, आप ये डालोगे पहले, फिर माइनस का ये वाला, जब करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली आप डायरेक्टली लिखोगे, ये तो बस समझा रहा हूं मैं, एक्स वन माइनस एक्स टू आई क्या, फिर वाई वन माइनस वाई टू जे क्या, फिर z1 माइनस z2 k क्या, सो दिस इज ba वेक्टर। तो गाइस ध्यान देंगे जरा, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट गिवन है, आपको बताया था इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है, जहां से स्टार्ट होगा, एंड टर्मिनल पॉइंट भी बताया था कौन सा होता है, जहां पे टर्मिनेट होगा, है ना, जहां पे एरर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक वेक्टर का जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जो कि 2,1 है, और फाइनल पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जो कि -5,7 है ना, दिस इज 2,1, ठीक है भाई। तो दिस इज एक्चुअली इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो वेक्टर क्या होगा, पहले तो वेक्टर निकालो, हमें ये वेक्टर पता होना चाहिए, वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर, अभी सिखाया मैंने सबको, क्या होगा, हाँ जी कैसे निकाले, बी माइनस ए, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, -5 फिर बीच में माइनस फिर 2, ठीक है, ये कौन सा है, आई कैप वाला है, फिर से बी माइनस ए, 7-1 जे कैप, यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट दिख रहा है या किसी को, नहीं लिख रहा ना, इसको सॉल्व करेंगे गाइस, -7 जे आई कैप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस 6 जे कैप हो जाएगा। ऋषभ सचिन क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, यहाँ पे के कैप नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो 0 के कैप लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब गाइज मैं पहले भी बता चुका हूँ, व्हाट आर द स्केलर कंपोनेंट्स, इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, कौन बताएगा, हाँ जी करण बताएगा, करण स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे बेटा, बेटा अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी, मेरे सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, टीचर पढ़ाए अच्छे से और बच्चा अच्छे से पढ़े तो ही कुछ होगा, इतना टाइम दिया बीच में, 2-3 क्लास, दो दिन मिले तुम्हें फिर भी नहीं पढ़ाएगी, बेटा आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने लास्ट क्लास अटेंड ही ना करी हो, हाँ जी वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट, -7i क्या, कॉमा 6j क्या,
कॉमा जीरो के। ओके इसमें किसी बच्चे को डाउट है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं गाइस, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले गाइस, क्या मैंने टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था ना, बोले भाई? नहीं पढ़ाया टाइप ऑफ वेक्टर्स? हां नो सर, नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। कोई बात नहीं बेटा, 11वां क्वेश्चन लेने से पहले मैं टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करूंगा, ध्यान से सुन लेना सब लोग, ठीक है बेटा? सबसे पहला होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ठीक है, किसी ने बोल दिया वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। हां जी, अगर किसी ने बोल दिया वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, पूछ रहा हूं सबसे। हां जी, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? जस्ट आस्किंग यू ऑल। गलत लिखा है सर। नहीं, गलत लिखा है, गलत है। अच्छा, गलत लिखा है, वेरी गुड। जो भी बोल रहे गलत लिखा है, नाम बताएं, और जो लोग बोल रहे सही वो बताएं नाम अपना, सही वाले और गलत वाले। गलत वाले पहले बताएंगे। हाँ जी, कौन कौन बोल रहा है गलत? हाँ जी, वैभव सर, वैभव, और ये यश ने भी बोला है, और किसने बोला है? हाँ जी बेटा, और कोई भी है जो बोल रहा है गलत है? दो ही बच्चे सही, मतलब दो ही बच्चे सही जानते हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं गलत है और सारे बोल रहे सही है। जैनाब क्या बोलती है बेटा, व्हाट डू यू से? हाँ जी बेटा, सही है, एक्चुअली सही है। देखो सुनना ध्यान से, ये एक वेक्टर है, इसकी दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है? मैग्नीट्यूड बोले तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, सबको पता है, या फिर ऐसे लिखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? या तो ए से लिखेंगे सिंपली, या मॉड लगा देंगे, या तो एरो हटा देंगे या सिंपली मॉड लगा देंगे, ये दो तरीके हैं मैग्नीट्यूड लिखने का। डायरेक्शन लिखने का तरीका क्या है? एक आप ठीक लिखा है गलत लिखा है, जल्दी बोलो, यहाँ तक सही लिखा है? फिर मैंने एक बात बोली थी गाइस, देखो मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कमी नजर आ रही है मुझे। एक वेक्टर हमेशा इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है गाइस। मैंने एक फॉर्मूला लिखवा था, छोटा सा फॉर्मूला, बहुत मामूली सा फॉर्मूला, दिस इनटू दिस, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। कोई गलत लिखा है क्या? जल्दी बोलो। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आपको पहले से दिया होता कि इट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है गाइस? हाँ जी, इफ इट इज अ यूनिट वेक्टर दैट इंप्लाइज इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो, बोलो भाई। मैं 1x को क्या x नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, तो 1a कैप को क्या मैं a कैप नहीं लिख सकता? गाइस बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बिलीव मी, बट कुछ बच्चों के लिए नया चैप्टर है। बस मैं ये बोल रहा हूँ ध्यान से मेरी क्लास को सुने, और जो होमवर्क दूंगा ना सब करते जाएंगे, आज एक क्लास, आज एक होमवर्क दूंगा, ठीक है? वो आपको करना होगा। तो गाइस मैंने सही लिखा था, एक्चुअली इट वॉज करेक्ट, ओके? प्रूफ कराया मैंने आपके सामने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ऑब्वियस सी बात है वो वेक्टर, उसका कैप क्या होगा? बराबर होगा ना, ठीक है भाई, क्लियर है? क्योंकि देखा जाए तो उसमें मैग्नीट्यूड जैसी चीज कुछ है ही नहीं, वो 1 है, मतलब कुछ 1 यूनिट है बस, ठीक है? ओके, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। दूसरा वेक्टर गाइस नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर गाइस ध्यान से सुनेंगे जरा, को इनिशियल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? दो वेक्टर जो सेम पॉइंट से इनिशिएट होते हैं, ठीक है? यू ऑल कैन सी दे बोथ आर इनिशिएटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे पी ए एंड पी बी, एक्चुअली पी ए वेक्टर एंड पी बी वेक्टर आर को इनिशियल, कोई डाउट है क्या? बोलो, पी ए वेक्टर एंड पी बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, ठीक है?
अच्छा अगला बेटा ध्यान से सुनना, जीरो वेक्टर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वन मार्क क्वेश्चन बनता है गाइस, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा? जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो। मतलब क्या है बोले तो, इस पॉइंट से स्टार्ट करें और वापस इसी पॉइंट पे एंड कर जाए, ठीक है? तो दिस इज द जीरो वेक्टर। कैसा वेक्टर है? जीरो वेक्टर है, ठीक है। हां जी, कोई बच्चा इसका मैग्नीट्यूड बता सकता है? व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर। देखो बेटा मैग्नीट्यूड होता क्या है, सुनना ध्यान से। अगर मान लो किसी ने पूछा इसका इसका मैग्नीट्यूड क्या है इस वाले वेक्टर का, तो एक्चुअली इसकी जो लंबाई है ना, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। किसी ने पूछा पीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, किसी ने पूछा पीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो एक्चुअली इसकी जो लंबाई है ना वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है? तो ग्राफिकली मीनिंग बता रहा हूं मैं इसका। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? हां जी, एक्चुअली जीरो है। ओके, नाउ आई एम आस्किंग अबाउट यू डायरेक्शन। हां जी, कोई बताना चाहेगा डायरेक्शन क्या होगा एक जीरो वेक्टर का? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर? जीरो। एक बच्चा बोल रहा है जीरो, यार डायरेक्शन। अच्छा, किसी ने बोला जीरो, भाई जीरो तरफ निकल ले, चल खिसक ले जीरो तरफ। मतलब जीरो या जीरो डायरेक्शन कौन सा होता है यार? जीरो में आते समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा? देखो ऐसा है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? एक बच्चा बोले ये वाली डायरेक्शन, एक बच्चा बोले ये वाली डायरेक्शन, ये वाली, एक बोले ये है, एक बोले ये, एक बोला ये, ऐसा लग रहा है ओमनी डायरेक्शनल है। क्या बोलते हो? ऐसा लग रहा है ओमनी डायरेक्शनल है। सो एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या बोलते हो? एक्चुअली डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। इकलौता वेक्टर है ऐसा जिसका डायरेक्शन नहीं होता गाइस, नॉट डिफाइंड होता है। मतलब डायरेक्शन फॉर जीरो वेक्टर इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कोलिनियर वेक्टर। अदर साइंस स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे थोड़ा सा। बेटा इसका नाम रख दिया मैंने वेक्टर ए, इसका नाम रख दिया मैंने वेक्टर बी। बेटा ये कैसे वेक्टर है? एनी वन? हाँ जी, कैसे वेक्टर लग रहे हैं? जस्ट पैरेलल वेक्टर। अच्छा ये बोल रहा है, नाम नेम प्लीज। पैरेलल वेक्टर नेम प्लीज बेटा। बेटा पैरेलल वेक्टर, ठीक है? और क्या हम इसे एंटी पैरेलल बोल सकते हैं? पूछ रहा हूं मैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, हाँ यस और नो? हाँ जी, यस सर। ओके यस सर। बेटा वेक्टर चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। ओके, देयर इज नो सच थिंग इन चैप्टर वेक्टर। हाँ, कुछ लोगों ने फिजिक्स ज्यादा पढ़ी होती है तो उनको पता चल जाता है कहीं से, लेकिन अगर फिजिक्स की भी बुक ढंग से देखोगे तो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर कुछ होता ही नहीं है मैथ्स में, मैथ्स में या फिजिक्स में कहीं नहीं होता, ठीक है? उसकी जगह होता क्या, ध्यान से सुनना, उसकी जगह होता है गाइस कोलिनियर वेक्टर। आप कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है ध्यान से सुन लेंगे आप। मैंने एक वेक्टर ही बनाया है, एक वेक्टर मैंने ये बनाया है और एक मैंने लाइन बनाई है। मुझे ये बता दो सब लोग, क्या ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है कि नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है कि नहीं? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन यही है ना, बड़ा छोटे से मतलब नहीं है। लो छोटा बना देता हूं मैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लाइन की कोई लंबाई नहीं होती। वेक्टर ए का कॉरस्पॉन्डिंग लाइन मैंने इसके नीचे बना दिया, वेक्टर बी का गाइस कॉरस्पॉन्डिंग लाइन मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है? अगर दो वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल हो, देख सकते हो आप, वेक्टर ए इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर दो वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल हो तो उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो एक्चुअली दीज टू आर कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं पूछ रहा हूं गाइस आपसे, क्या ये कोलिनियर है कि नहीं?
हाँ जी, आर दे कोलिनियर और नॉट? मैंने कोलिनियर की डेफिनेशन बता दिया है सर, है क्योंकि मैंने क्या बोला, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन एक्चुअली दे आर सेड टू बी कोलिनियर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आ जाओ, एक लाइन बनाते हैं जो इसके पैरेलल हो। तो एक्चुअली ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। ठीक है, तो बेसिकली दे बोथ दीज टू वेक्टर्स आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दे आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर कुछ होता ही नहीं है। दूसरा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर? हां जी, कोई बताएगा एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर? देखो ये क्या है, सेम डायरेक्शन, मतलब एक के ऊपर एक रख सकते हो। अच्छा, एक के ऊपर एक रहने का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुन लो जरा, मैं समझाता हूँ आपको गाइस। मान लो मुझे ना इन दोनों को ऐसा है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। गाइस ध्यान से सुनना, तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा, मैं ना इस वाले वेक्टर को, वेक्टर बी को उठा के मैं यहाँ रख दूँगा। मेरी मर्जी, कहीं भी रख सकता हूँ, कहीं भी रखो, लेकिन ना उसकी डायरेक्शन मत चेंज करो। आप देखो, ये बेचारा निशाना लगा रहा है चांद को, तो ये भी निशाना लगा रहा है चांद को ही लगा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में निशाना है इनका, और डायरेक्शन दोनों की सेम है, मतलब मूवमेंट आप इसको रीलोकेट कर सकते हो। हमने वेक्टर बी को रीलोकेट किया इस तरीके से, क्या कि इसका जो डायरेक्शन है चेंज नहीं किया। दूसरा, इसकी जो लंबाई है गाइस, वो भी हमने चेंज नहीं की। अब वो बात अलग है, मैंने हाथ से बनाया है तो भाई ह्यूमन एरर तो होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो क्लियर है ये? सो एंगल बिटवीन, सुनो भाई, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, कोई बताएगा? हमारा बता दो, के बीच में कौन सा एंगल, एक मिनट जाओ 60 या 180, दोनों में से 120 कौन सा वाला एंगल है दो एंगल के बीच में, दो वेक्टर के बीच में, 60 वाला या 120 वाला? बेटा जब भी एंगल की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, whenever we will talk about angle between two vectors, first of all they must be co-initial vector. क्या ये दोनों co-initial लग रहे हैं आपको? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये दोनों? No sir. Yes or no? Sir, co-initial नहीं है. Co-initial नहीं है. No sir. ये दोनों कैसे हैं? Co-initial है. Co-initial है तो angle कितना हो गया इसके बीच में? 60 degree. कितना हो गया? 60 degree. अब guys एक काम करते हैं, इसके बीच में और इसके बीच में ना मैं ना एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको मैंने सिखाया, आप रीलोकेट कर सकते हो, मतलब रीलोकेट बोले तो देखो, मैं इस वाले वेक्टर को नीचे वाले इसको उठा के, गाइस इस वाले वेक्टर को मैं उठा के उसी के ऊपर रख रहा हूँ, इस तरीके से रख रहा हूँ कि कोनिशियल बन जाए। कोनिशियल बन जाए मतलब कि सेम पॉइंट से इनिशिएट हो, यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ। कितना एंगल है भाई? 0 degree. तो थीटा है 0 degree. अगर ये ऐसे होते तो देखना जरा, एक ऐसा और एक ऐसा, यहाँ पे थीटा 0 degree है, यहाँ पे कितना है थीटा, कितना है यहाँ पे? देखो गाइस, मैं पूरा दोबारा, कितना है? 180. वेरी गुड बेटा, दिस इज द पॉइंट और ये रहा पॉइंट, इन दोनों को मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है। रीलोकेट कर रहे हैं गाइस, तो इसकी लेंथ को चेंज नहीं करेंगे और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे। मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको उठा रहा हूँ पूरा और यहाँ रख दूंगा, इस तरीके से रख दो, डायरेक्शन चेंज नहीं करा और साथ में उसकी हमने लेंथ चेंज नहीं करी। तो अब एंगल कितना हो गया गाइस, व्हाट इज द एंगल? 180 degree. याद रखना, तो एक्चुअली एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर इज इधर 0 degree और 180 degree. आपको पता है, वन मार्क में इतना बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक है ना, कुछ भी आ सकता है गाइस। देखो एंगल, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एंगल ये वाला 120 क्यों नहीं लिया हमने? जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल लेंगे, दे मस्ट बी कोनिशियल वेक्टर, देन ओनली एंगल विल बी टेकन। दिस इज नॉट द करेक्ट एंगल, दिस इज द रॉन्ग एंगल। ठीक है, करेक्ट एंगल कौन सा है गाइस? करेक्ट एंगल तो गाइस ये वाला है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि सर कोलिनियर वेक्टर की क्या कंडीशन होती है। कोलिनियर वेक्टर की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैं आपको पढ़ा चुका था,
गाइज मैंने बताया था आपको, मान लो ये वेक्टर ए है, हम इसमें दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी लंबाई जो है दो गुना हो जाएगी। दो एरो नहीं लगाना चाहिए, एक ही एरो लगाएंगे, ये बीच में बस दिखाया है मैंने ऐसी। एक्चुअली दिस इज टू टाइम्स ए वेक्टर। क्या डायरेक्शन चेंज हुआ है? नहीं ना। किसी ने अगर यहाँ पे माइनस ए वेक्टर लिखा होता, क्या लिखा होता गाइज, माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ए में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। दिस इज माइनस वन ए वेक्टर, ठीक है। तो कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दो गाइज, जरूरी नहीं कि गाइज मान लो ये रहा, ये आपका वेक्टर ए है, मैं इसमें वन थर्ड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अरे वन थर्ड मतलब इसका वन थर्ड हो जाएगा, कितने मान लो तीन टुकड़े हैं, तो इतना हो जाएगा गाइज, ये वन थर्ड ए वेक्टर ए हो गया। डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं ना। तो होता क्या, जब भी एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, मतलब जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है, मतलब इफ अगर ये आपको गिवन है, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, लैम्डा टाइम्स होगा, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। दिस इज द कंडीशन। आपको पता है मेरे पास एक नहीं तीन कंडीशन है गाइस। पहला कंडीशन ये है क्या कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक वेक्टर उसका दूसरे का लैम्डा टाइम होगा गारंटी के साथ, ठीक है। अब देखो इसको, डाउट था किसी बच्चे को, कौन से क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, 2 - 3 + 4। These two are collinear vector. क्या है, collinear vector. तो collinear vector कैसे यहां से confirm कर सकते हैं, अगर कोई भी एक vector दूसरे का दो गुना है, मान लो ये vector A है और ये vector B है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो vector B is nothing but vector B जो भी है लिख लो आप, -4i cap + 6j cap - 8k cap। हालांकि बच्चे ये कम यूज करते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। मैं यहाँ से माइनस टू कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा, 2i cap - 3j cap + 4k cap, ठीक है गाइस। तो गाइस ये क्या हो गया, बी वेक्टर इज माइनस टू टाइम, दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर, आप देख सकते हो दिस इज ए वेक्टर, आप यहाँ ये लिख दो, सिंस बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर वे लैम्डा इज नथिंग बट माइनस टू, सो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। गाइज इसका हमारे पास ऑल्टरनेट वे भी है, बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में ही, ठीक है। एक तो ये तरीका है, हम ये कम यूज करते हैं लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली नहीं पता तो दिक्कत होगी। इसका करने का एक और तरीका, आसान तरीका बताता हूँ आपको बेटा। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो पहला पॉइंट तो मैंने लिख दिया, दूसरा पॉइंट मेरे पास एक पॉइंट और है, देयर डीआरस आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल वर्ड आपने सिमिलर ट्रायंगल में भी यूज किया था अगर याद है तो। इसका गाइस ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देखो, कॉन्सेप्ट दोनों याद होने चाहिए, डीआरस ऑफ वेक्टर ए क्या है, 2, -d, 4, ठीक है। तो डीआरस ऑफ वेक्टर बी क्या है, ठीक है, क्या होगा यहाँ से आप डिवाइड कर दो, 2 - 4, सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं, सेम रेशियो में है कि नहीं, आप निकाल के देख लेना, ये भी -1/2 आएगा, ये भी -1/2 आएगा, ये भी -1/2, तो एक्चुअली दे ऑल आर इक्वल्स टू -1/2। कोई डाउट है क्या, बोलो भाई, ठीक है। हमने इन दोनों का रेशियो निकाल दिया, ठीक है गाइस, ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वन मार्क में तो वही कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कोलिनियर वेक्टर के लिए दो कंडीशन लिखवाई है, फर्स्ट एंड सेकंड, किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दो बेटा। नेक्स्ट डाउट टू एनीवन,
हाँ जी नेक्स्ट डाउट गाइस, मैं बहुत प्यार से करा रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक है? नेक्स्ट डाउट, डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिखाया था भाई मैंने लास्ट क्लास में, 13th भी कर लिया हूं आप लोगों ने, 13th आई डोंट नो 14th किया है कि नहीं किया, क्योंकि मैंने शायद आपको डायरेक्शन कोसाइन अभी पूरा नहीं बताया, जितना बताया था उसके अलावा और भी थ्योरी है उसकी, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था जो भी पढ़ाया था मैंने। जस्ट अ मिनट गाइस, या आई जस्ट टोल्ड यू हाउ टू फाइंड डीसीज, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं वो सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है? ये देख सकते हो आप कि अगर वेक्टर ये है तो डीआर ये होगा और डीसी ये होगा, ठीक है? चलो आगे सुन ले जरा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डीसीज ऑफ अ वेक्टर, सबको आता है अगर वेक्टर ए गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, सबको निकालना आता है कि डी आर क्या होता है। देखो डी आर इसका जो होगा, डी आर जो होंगे वो होगा एक्स वाई जेड, और जो डीसीज होंगे गाइस, डीसीज बोले तो डायरेक्शन कोसाइन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, छोटे 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 बहुत सारे फॉर्मूले हैं गाइस, एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा वाई बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है गाइस? इसको हम एल भी बोलते हैं, इसको हम एम भी बोलते हैं, इसको हम एन भी बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है गाइस? तो ये आपका एल एम एन, ठीक है भैया? एल एम एन क्या है? इनका नाम रखा गया है, इनका नाम रखा गया है, ये जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये जो वैल्यू आएगी ये, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, बेसिकली एल एम एन आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। निकालना आता है आपको, आता है ना? ठीक है, मतलब मान लो अगर यहाँ पे वन, या वन छोड़ो मैं थोड़ा सा सिंपल ले देता हूँ, थ्री आई माइनस टू जे प्लस सिक्स के, गाइस ये वेक्टर, तो सब इसके डी आर निकालो और उसके बाद डी सी निकालो जल्दी से, जल्दी, डी आर तो बड़ा आसान है ना, डी सी भी निकालो सर, हो गया गाइस, निकाल लो जो भी यहाँ पे सेवन आया गाइस, आप निकाल सकते हो, मेरे को तो पता है पहले से ही, प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ भी वही आएगा, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, नाइन प्लस फोर प्लस थर्टी सिक्स है ना, यहाँ पे रूट 49 आ गया, रूट 49 बोले तो वही, चलो लिख देता हूँ यार,
subtract l square plus n square plus n square equals to 1. So just put it here, 1 by 2 ka square plus minus 1 by root 2 ka whole square plus n square is equals to 1 4th plus 1 by 2 plus n square equals to 1. N square equals to 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 2. ठीक है, क्या हो जाएगा 1 ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, जब दो लाइनों के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक लाइन है, एक वेक्टर, तो भी एंगल हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, बस मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और बाहर नहीं होगा। एन की वैल्यू आगे गाइस प्लस माइनस 1 बाय 2, आप यहाँ लिख सकते हो चाहे तो प्लस माइनस 1 बाय 2। दोनों क्यों लिखे मेरे डीआर क्या, डीसी क्या होंगे गाइस, दो डीसी है, एक है 1 बाय 2, एक है माइनस 1 बाय रूट 2 और एक है प्लस 1 बाय 2। एक और है दूसरा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2, क्योंकि गामा तो कुछ भी हो सकता है, माइनस 1 बाय 2 भी हो सकता है। तो ये दो है गाइस, देयर आर टू आंसर्स फॉर डीसी, ठीक है। एंड और हमें क्या निकालना है, गामा निकालना है। तो ये देखो हमें ये पता है n इक्वल्स टू cos गामा, आप बोलोगे n इक्वल्स टू cos गामा है ना, n की वैल्यू कितनी प्लस माइनस 1 बाय 2 cos गामा, cos गामा प्लस हाफ है, cos गामा माइनस हाफ। मैंने आपको एक तरीका बताया था, आपको याद हो तो, किसमें देखा है तो मैंने उसमें बता दिया था आपको, AOD में। यहाँ पे cos की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आप आराम से सोच लेते हैं, कहाँ पे होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल कितना आएगा, मतलब 1 बाय 2 कहाँ पे होता है, cos, cos होता है गाइस 1 बाय 2 है ना, बट गाइस यहाँ पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब हमें दो ही क्वाड्रेंट लेने हैं, एक फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि वो एंगल जो है हमेशा 0 से 180 के बीच में लाई करता है। फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा, ये नहीं लेना, सेकंड वाला लेना है, ये वाला है ना। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल कैसा होता है गाइस, 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या हुआ, थीटा वो एंगल जो आराम से सोच पाओ क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस थीटा होगा ना, लिख देता हूं मैं, 180 माइनस 60 डिग्री कितना आ गया गाइस, ठीक है। अब ये वन मार्क का टाइप क्वेश्चन है, देखा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसमें एक ही एंगल एक ही वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, तो दो आंसर है, या तो ये या फिर ये। किसी को कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। हेलो सर, इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा गाइस, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो एम एस टू एन इंटरनली, ठीक है, इंटरनली मतलब पी ये रहा, मान लो ये ए है ये बी है। गाइस मैंने ये जो लिखा है फिगर सही है गलत है, जल्दी बोलो फिगर सही है गलत है, जस्ट आस्किंग यू ऑल। फिगर सही है गलत है, देखो जनरली बच्चा ए ऊपर लिखता है बी नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क क्या होता है, मेन चीज क्या होती है, पी का डिस्टेंस ए से पहले आएगा, पी ए पहले आएगा, फिर पी का डिस्टेंस बी से बाद में आएगा। तो पी ए जो पहले वाला क्या है वो एम होना चाहिए और बाद वाला जो है वो एन होना चाहिए, मतलब बी दिस इज गिवन एक्चुअली। तो जो भी फिगर बनाओगे इसमें ये चीज देखना, पी ए टू पी बी सही लिखा है कि नहीं लिखा, पी ए एम है, पी बी एल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे गाइस, इट्स ऑल अप टू यू, आपने ए यहाँ लिख दिया, आपने बी यहाँ लिख दिया, पी ए मस्ट बी एम, पी ए बी मस्ट बी एन,
ठीक है गाइस, मान लो अगर आपको ये पॉइंट पता है आई कैप पॉइंट पॉइंट पता, मान लो पॉइंट पता है 1, 2, 1, तो यार इसका पोजीशन वेक्टर पता होगा ना आपको। मान लिया बी वेक्टर है, उस वेक्टर आप आराम से निकालोगे इसका क्या होगा, आई प्लस 2j-3। ठीक है तो पोजीशन वेक्टर आप आराम से निकाल लोगे गाइस। ओके भैया ये एक और बात बता देना कि वो कि ए एम कौन सा होगा, कौन सी साइड पे वाला। बेटा गाइस कुछ भी नहीं है, यहां से आप देखो कि आप इसको देखा करो बस, पी को पी को पिकअप ए से, पहले वाला पी ए, पहले वाला पी ए, तो पहले वाला एम है, दैट्स इट। तो जब जैसा भी फिगर बनाओ, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, बस पी ए की जगह पे एम लिखा होना चाहिए। ठीक है फिर बाद वाला कौन सा बेटा, पी टू बी, पी बी, पी बी कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए, पी बी कितना, एन है। ठीक है हालांकि आप टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हो लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता इन चीजों पे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कई बार इसकी वजह से गलत हो जाता है, तो गाइस ये चीज दे रखी है। अब मान लो अगर आपको ये पॉइंट दे रखा हुआ तो आप इससे इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो, जैसे हमने बी वेक्टर निकाल दिया ये आ गया। ठीक है ऐसे ही ए पॉइंट दे रखा हुआ तो आप इसका भी पोजीशन वेक्टर निकालोगे, मान लो ए वेक्टर आ गया। ठीक है तो गाइस आपसे पूछा जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कैसे निकालेंगे गाइस। कुछ नया नहीं है, मैं तो बच्चों को फॉर्मूला याद ही नहीं करवाता, मैं बोलता हूँ फिगर बनाओ और इसको मल्टीप्लाई करो बगल वाले से, नहीं नहीं बगल वाले से बिल्कुल नहीं, दूर वाले से, m को दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो m into b vector, ठीक है, फिर n into a vector, आपने दिया n into a vector, divided by m plus n। अब देखो एक चीज गाइस, यहाँ पे ना माइनस भी होता है कई बार, अगर यहाँ इंटरनली है तो गाइस यहाँ बीच में प्लस लिखना है। ठीक है अगर वहीं पे इंटरनली की जगह एक्सटर्नली होता गाइस, तो आप सेम फॉर्मूला बस बीच में माइनस लिख देगा, ये आपको याद करना है। कुछ नया है तो बता दो। हां जी इज देयर एनी डाउट टू एनीवन,